तुम्हारा ऐसा फुटबॉल बनाएगा ना वो पुलिस वाला, मार मार के थाने तक ले जाएगा तुम्हें। वो चाहते हैं देहरादून छोड़ दे हम, अब बताओ भूतों के डर से मकान छोड़ दे। स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में, और आज जो मैं लेके आया हूँ वो बड़ा दाजू टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो समझ लो बिंदास आपकी लाइफ झिंगा लाला, इसको पढ़ डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अब आप कहाँ करते हो? सिंपल सा फंडा है, जहां पे एक्शन खत्म हो जाते हैं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे सर एक्शन खत्म तो पास्ट में भी हो जाता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल क्यों करें, सीधा पास्ट में करेंगे? अरे बाबा सुन तो लो, देखो भाई तीन टेंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये तो रहा प्रेजेंट, यहां से शुरुआत हुआ, यहां से गाड़ी चलना शुरू हुई, ये है प्रेजेंट, ठीक है, और ये है पास्ट। ये देखो यहां पे गाड़ी रुकी, ये है पास्ट, बट इन दोनों के बीच में भी तो कुछ हुआ होगा। अरे तो भाई तो जो इन दोनों के बीच के बीच में रिलेशन बताएगा उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा। तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो रिलेशन बताएगा उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, अगर मैं जैसे दोनों में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया है आई बॉट फोन, बी ओ यू जी एस टी, आई बॉट फोन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं आई हैव बॉट, बी ओ यू जी एस टी, आई हैव बॉट फोन। मतलब अब दोनों का मतलब दोनों में अंतर देखें, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट के नजदीक होता है, मतलब इसका जो रिलेशन सबसे ज्यादा जो अच्छा रिलेशन रहता है वो प्रेजेंट से ही रहता है जी। इसका मतलब है मैंने फोन खरीदा है, और इसका मतलब है मैंने फोन खरीदा था। अब खरीदा है मतलब जो रिसेंट में एक्शन हुआ है, एक्शन दोनों ही खत्म होना बता रहे हैं कि मैंने फोन खरीदा था, और ये बोल रहा है मैंने फोन खरीदा है, दोनों का ही मतलब है एक्शन का खत्म होना। बट एक कह रहा है कि मैंने बहुत पहले फोन खरीदा था, और एक कह रहा है मेरे साथ ये वाला जो एक्शन हुआ ना फोन खरीदने का, ये अभी अभी हुआ है भाई साहब। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है, जो एक्शन अभी अभी खत्म होते हैं उनको हम किस में डालते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आप अभी अभी कुछ देर के बाद वीडियो खत्म हो जाएगी तो किस में डालोगे आप, ये प्रेजेंट परफेक्ट में डालोगे। जैसे आप, मैं कह रहा हूं कि मैंने अभी अभी पढ़ा दिया तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट, बट अगर मैं बोलूंगा मैंने कल पढ़ा दिया था तो अभी अभी तो नहीं हुआ ना, वो कल की बात है। जो पुराना पास्ट होगा उसमें हम सीधा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जो रीसेंट पास्ट होगा उसमें हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल। तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या चीज बताता है, जो एक्शन अभी अभी खत्म होता है, जो वर्ब अभी अभी खत्म होती है उनको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट के बीच में संबंध भी बताता है। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैव और हैज, और इन दोनों के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला आप गाड़ के रखिएगा, चाहे क्वेश्चन पूछना है चाहे आंसर देना है, ये हैव और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। अब ये हैज कहां आता है, हैव कहां आता है, ये आप सुन लो। हैव आता है आई यू दे वी, या तो कोई प्लूरल हो, और हैज कहां आता है, हैज आता है ही शी इट, या कोई नाम हो या कोई सिंगुलर हो वहां पे क्या आता है, हैज आता है। या आप देख लीजिए हैव कहां आता है, आई यू दे वी प्लूरल, हैज ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर हो वहां पे आता है हैज। बट वर्ब क्या कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी में इसका फॉर्मेट जो है वो भी मैं आपको बताता हूं, और उस फॉर्मेट पे लेते हुए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेट है पूरा। अब देखिए ये फॉर्मेट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ही को ही ले लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे ही के साथ क्या आता हैज, और एक्शन ले लेते हैं टॉट, मतलब उसने अभी अभी एक्शन खत्म किया, तो टीच, टीच को बोलते हैं पढ़ाना, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है टॉट, टी ए यू जी एस टी, ही हैज टॉट इंग्लिश, ही हैज टॉट इंग्लिश। दूसरा ले लेते हैं सब्जेक्ट, मना करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट टॉट, taught English। Object या additional information कुछ भी लगा सकते हो आप। अब question पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, has he, देखो has और have पहले आ गया, has he, अब has क्यों लगा, क्योंकि he के साथ has आता है, मैंने अभी पिछली वाली slide में बताया भी होगा आपको, has he taught, taught has he taught English। अब देखें यहाँ पे अगर मना करेंगे, negative सवाल पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे, has he, फिर not
टॉट टी ए यू जी एस टी टॉट इंग्लिश मना अब डब्ल्यू एच वर्ड के साथ पूछे तो वाई हैज ही टॉट टॉट इंग्लिश उम्मीद है आपके समझ में आ ही रहा होगा अगर मैं निगेटिव यहां पर बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा वाई हैज ही नॉट टॉट टी ए यू जी एस टी टॉट इंग्लिश दैट्स इट देखिए सिंपल सा था डब्ल्यूएच वर्ड ये आ गया आपका हैज है सब्जेक्ट आ गया ही नॉट आ गया यहाँ पे और टॉट आ गया मतलब थर्ड फॉर्म और इंग्लिश बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है इंग्लिश है तो इतना समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मेट है इसका आप स्क्रीनशॉट या कॉपी जब आप बैठे हुए हो यहाँ पे तो आप अपनी कॉपी लेके साथ में बैठे और उतारे नहीं रोक के वीडियो उतार ले फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं इसके एरर भी देखेंगे और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट की तरफ देखो देखो डेफिनेशन बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो ही है देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस टोटैलिटी अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहां कहां पे इस्तेमाल होता है वो भी देखें जब मात्रा संख्या कितनी बार अब की बार 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 जब ऐसे हम यूज करते हैं सेंटेंस तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आई अपीयर्ड हैव अपीयर्ड फॉर थ्री एग्जाम्स दिस ईयर मतलब इस साल में कितने एग्जैक्टली अपीयर हुआ हूं या मतलब मैं क्या हुआ क्वालिफाई कितने के लिए हूं कि मैं दे सकता हूं तो कितने है वो थ्री एग्जाम तो ये टोटैलिटी बता दी कि कितनी मात्रा संख्या बता दी कि तीन एग्जाम के लिए और जब भी संख्या बताता है कोई तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं लगाते हैं क्या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं सिंपल पास्ट यहाँ पे गलत हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है जब भी हम कभी पूरे सेंटेंस में संख्या बता रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा आई हैव अपीयर्ड फॉर थ्री एग्जाम्स अगर सिर्फ ये थ्री नहीं होता संख्या ही होता क्या बोलते हैं आई अपीयर्ड या आई हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम दिस ईयर तो यहाँ पे हम सीधा क्या सही कर देते पास्ट सिंपल पास्ट सही कर देते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टोटैलिटी नहीं बताई थी मतलब संख्या नहीं बता रही थी अगर संख्या बता दी तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल ये एरर आते हैं बहुत तगड़े पेपर में अगर आप पेपर नहीं करोगे अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की तो समझ लो खत्म हो तुम आगे क्या है आई टॉट या हैव टॉट सेवन बैचेस देखो यहाँ पे भी संख्या बता दी तो जब भी संख्या बताओगे तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या आएगा आई हैव टॉट सेवन बैचेस टुडे नेक्स्ट देखते हैं आई सॉ या हैव सीन दिस मूवी 12 टाइम्स कितने बार देख ली मैंने 12 बार फिर संख्या बता रहा है तो जब भी संख्या मात्रा है कितनी बार अब की बार बताएगा तो हम क्या बोलेंगे आई हैव सीन दिस मूवी 12 टाइम्स क्या वी वेंट या हैज गॉन टू जेल सेवरल टाइम्स हाँ अगर आप ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति को होंगे तो जाओगे ही जेल तो कैसे बोले आई वेंट या हैज गॉन टू जेल सेवरल टाइम मतलब बहुत बार कई बार यहां देखो ना अब की बार कितनी बार तो वो रहा कई बार मैं क्या गया हूँ जेल गया हूं तो जब भी संख्या के बारे में बात आएगी तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो यहाँ पे सही क्या होगा आई हैज गॉन नहीं आएगा यहाँ पे आई के साथ हमेशा हैव आता है तो यहाँ पे हमें सही करना पड़ेगा आई हैव गॉन टू जेल सेवरल टाइम्स चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अभी तक आपके समझ में आ ही रहा होगा दूसरी डेफिनेशन क्या है कहाँ पे यूज करते हैं The present perfect tense is used to express very recent happenings which have an influence on the present. वो क्या कह रहा है? जो एक्शन अभी-अभी खत्म हुए हैं और उनका इन्फ्लुएंस अभी तक है प्रेजेंट पे पढ़ रहा है दिख रहा है कि हाँ ये एक्शन अभी-अभी खत्म हुआ है जैसे मैं देखते हैं कोशिश करते हैं Why are you sad? अभी आप sad हो क्यों sad हो? Someone आपके बारे में someone stole या has stolen my phone. अब आपका देखो प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट में मैं पूछ रहा हूँ बाय आर यू सैड मतलब आप सैड दिख रहे हो इसलिए तो मैंने बोला कि बाय आर यू सैड आप सैड क्यों हो और क्यों सैड होंगे क्योंकि ये चीज ये इन्फ्लुएंस है आपका प्रेजेंट पे क्योंकि पास्ट में घटना जो हुई है उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट में है तो वो कनेक्शन बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे समवन हैज स्टोलन माय फोन क्योंकि आपका ये इसके लिए मतलब ये आपके साथ एक्शन हुआ है इसका इफेक्ट आप पे अभी भी दिख रहा है तो वहां पे क्या बोलेंगे कि why are you sad क्यों तुम sad क्यों हो क्योंकि someone has stolen my phone मतलब someone has stolen my phone मतलब अभी मेरा फोन किसने चोरी कर लिया तभी तो मैं sad हूं तो अगर किसी भी एक्शन कोई भी एक्शन पास्ट में हो गया है बट उसका इफेक्ट अभी भी है प्रेजेंट में तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट आप समझिएगा जैसे हरिय जल्दी हरिय मतलब जल्दी स्विच ऑन द टेलीविजन मतलब टीवी खोलो अब देखो जल्दी टीवी खोलो मतलब कुछ अभी अभी हुआ है तो जो एक्शन अभी अभी होता है वहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है तो क्या बोला टेररिस्ट अटैक्ड या हैव अटैक्ड द पार्लियामेंट अब मैंने हरी अप बोला स्विच ऑन द टेलीविजन मतलब जब मैं हरी अप कर रहा हूं तो मतलब जल्दबाजी में हूं और कब हूं अभी जल्दबाजी में हूं मतलब अभी अभी तो एक्शन खत्म हुआ है और जो एक्शन अभी खत्म हुआ है तो वहां पे क्या बोलूंगा
have attacked बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा terrorists have attacked, और ये attacked गलत है, ये सिंपल पास्ट था, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा terrorists have attacked the parliament. Next देखते हैं, next क्या है हमारा, where is Mohan, he died, बेचारा मर गया, ये भी बेचारा आशिक रहा होगा, इसको बोला होगा शहर छोड़ दे, इस बेचारे ने दुनिया ही छोड़ दी, वो चाहते हैं देहरादून छोड़ दे हम, अब बताओ भूतों के डर से मकान छोड़ दे, मकान छोड़ दे हम, अब इस मकान पे हाथों के आबले देखे और पहाड़ काट दिया है, कहती है चट्टान छोड़ दे, अब बेचारे का यही हुआ, उसने बोला मोहल्ला छोड़ दे, दे ये शहर छोड़ दे, उस बेचारे ने जिंदगी छोड़ दी, तो क्या वेयर इज मोहन, मैं पूछ रहा हूँ भाई मोहन का है मेरा दोस्त, तो उसने क्या बोला ही डाइड, अभी तक तो मेरे साथ था, कल तक ओ मर गया, तो अभी जब मैं पूछ रहा हूँ वेयर इज मोहन मतलब प्रेजेंट में है कि कहाँ है, अभी तक तो यही था, तो मतलब एक्शन अभी अभी खत्म हुआ होगा, तो क्या है क्या ही हैज डाइड, ये वाला सेंटेंस सही, क्योंकि एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, हैज डाइड, चलो ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ, अब देखो लास्ट डेफिनेशन ये, इसके बाद हम इसमें एरर फाइंड करेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएसबी बैंक ये जो सारे कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, ये लास्ट डेफिनेशन को फाइनल करते हैं उसके बाद या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या है डेफिनेशन क्या है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, मैंने अभी बताया था ना सबसे पहले स्टार्टिंग में, इट शोज दैट प्रेजेंट एक्शन इन एक्शन और स्टेट is somehow related to past. It also shows the change between past and the present. एक ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी इसके मतलब ये जो present perfect tense है ये एक संबंध बताता है present और perfect के बीच में present और past के बीच में एक relationship बताता है. अब कैसा relationship होता है जरा देखते हैं example के साथ आप जरा समझेंगे. ये क्या बोल रहा है please eat food with us कि हमारे साथ खाना खा लो. वो बोल रहा है नो आई एट फूड मतलब क्या कर रहा है मैंने खाना खा लिया था या तो क्या बोल रहा है आई हैव ईटन फूड मैंने खाना खा लिया है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है. अब देखो ये पास्ट का सेंटेंस है. अब इन दोनों के बीच का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा हैव ईटन फूड इसलिए दोनों के बीच का क्या है संबंध बताएगा जो दोनों के बीच में जो सेंटेंस आएगा उसके बारे में बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्लीज ईट फूड खा लो हमारे साथ वो बोल रहा है मैंने खा लिया था. अगर खा लिया था तो अब तक तो पच भी जाता तो दोबारा खा लेता. इसका मतलब क्या है ये एक्शन क्या हुआ है इसका अभी अभी हुआ है इसलिए वो बोल रहा है यार मैंने अभी अभी खाया है अब तुम खा लो अब क्योंकि भूख नहीं है. तो जो एक्शन खत्म होगा अभी अभी तो उसमें हम क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. तो क्या प्लीज ईट फूड विद अस वो क्या बोल रहा है आई हैव ईटन फूड मतलब मैंने खाना खा लिया है और इसका मतलब क्या है मैंने खाना खा लिया था. तो यह था यह है मैंने खाना खा लिया है अब बताओ भूख क्यों नहीं है क्योंकि उसने अभी अभी खाना खत्म किया होगा. तो वेयर इज योर हेलमेट कहाँ है आपका हेलमेट वो क्या बोल रहा है आई लॉस्ट इट या आई हैव लॉस्ट इट मतलब मेरा हेलमेट खो गया था या खो गया है. अभी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और उसने बोला भाई कहाँ है हेलमेट तो तुम क्या बोलोगे अरे सर अभी अभी मेरा हेलमेट खोया. वरना अगर तुमने बोल दिया आई लॉस्ट इट तो तुम्हारा ऐसा फुटबॉल बनाएगा ना वो पुलिस वाला मार मार के थाने तक ले जाएगा तुम्हें. क्यों तुम बहाना भी तो मारोगे आई लॉस्ट इट बोलोगे तो मेरा खो गया था तो पुलिस वाला बोला साले लिया क्यों नहीं तूने. अब अगर तुम बोलोगे सर आई हैव लॉस्ट इट तो वो छोड़ देगा कि यार चलो ठीक है अभी अभी खोया है तो कल ले देगा ये. तो समझ में आ रहा है ये है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो संबंध बताएगा वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या आएगा आई हैव लॉस्ट इट. नेक्स्ट क्या वेयर आर योर पेरेंट्स कहां है आपके पेरेंट्स प्रेजेंट का दे वेंट आउट ये पास्ट का हो गया वो गए थे या क्या है दे हैव गॉन आउट मतलब वो गए हैं. आपके पेरेंट्स क्या है पापा मम्मी अभी वहां गए हैं रिश्तेदार के यहाँ गए हैं तो ऐसे ही बोलते हैं. तो इसलिए क्या दोनों के बीच का संबंध जो बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा. तो क्या है यू मीट अ किड अब देखो इस पे कोशिश करना समझने की यू मीट अ किड टू योर ऑफ योर लोकैलिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब आप अपने लोकल जो आपके मोहल्ले में बच्चा था छोटा बच्चा आप उससे बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे यू ग्रू अलॉट या यू हैव ग्रोन अलॉट मतलब ग्रू अलॉट मतलब तुम बड़े हो गए थे या देखते आप बोलोगे अब यार तुम तो बड़ा हो गया है इतना बड़ा हो गया तो है. अब देखो जो आपको बोलना है वो आप बोलेंगे तो अब देखो खुद सेंस देखो वो ये बोल रहा है आप बड़े हो गए थे और ये दूसरा वाला सेंटेंस क्या आप तो बड़े हो गए हो. अब जो आपको सही है मुझे तो भाई ये वाला सही लगेगा यू हैव ग्रोन अलॉट मतलब आप बड़े हो गए हो इतने सालों के बाद मिल रहे हो और इतने बड़े हो गए हो तो हम यही सेंस करते हैं. तो जो एक्शन क्या होगा प्रेजेंट और पास्ट के बीच में रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रॉपर एग्जाम्पल होगा.
तो अगर आपको मुझे अगर आपको समझ में आई है ये वीडियो और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप पूरा कंटेंट देख के एंजॉय करें और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।